जौजा थकावट की वजह से शोहर को करीब आने से मना कर सकती है। अगर घर के कामकाज की वजह से, थकावट की वजह से औरत अपने शोहर को करीब ना आने दे तो क्या ऐसा करना भी गुनाह होगा? ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ है, और मैं खातून का नाम भी अनाउंस नहीं करना चाह रहा जिन्होंने पूछा है, तो हया के ख़िलाफ़ है मसला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे घराने मुब्तला हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। और हदीस में इसमें बहुत वाज़ेह अहकाम मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शोहर को करीब ना आने दे और शोहर उसकी वजह से नाराज़ होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी हैं। अगर औरत अपने शोहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा, जो कि बन रहे हैं आजकल। तो औरत पर लाजिम है कि वो जीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल ना छोड़े वो, ताकि मर्द भी उससे मोहब्बत करे और वो इधर उधर जो मुंह मार रहा है उससे बचे। देखें, यूरोप में तो इसको जुर्म समझा जाता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शोहर उसके पास चला जाए, वो जुर्म समझते हैं। वजह उसकी ये कि उनके यहाँ बेहयाई को इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है। वो अगर मर्द कल दिन में किसी और के पास चला जाए तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके लिए अल्लाह ने जिस जौजा को बनाया, आप उसके अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं? तो ये हिकमत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जबकि औरत इसमें अपने मफाद पर शोहर के मफाद और शरीयत के मफाद को तरजीह ना दे। तो जब तक औरत को कोई बीमारी ना हो, हाँ बीमारी है तो एक अलग बात है, औरत अगर बीमार ना हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने शोहर को अपने करीब आने से रोक दे। तो असल मसला तो यही है, लेकिन शोहर को भी बहरहाल ये चाहिए कि अगर उस पर बहुत ज़्यादा गलबा नहीं है और उसे गुनाह का ख़तरा नहीं है और वो ये समझ रहा है कि जौजा काम काज की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई है, इसकी नींद में बहुत ख़राबी होगी, तो शोहर के लिए बहरहाल अखलाकियात का तकाजा ये है कि कहीं भागी नहीं जा रही है, ज़िंदगी भर आपके साथ ही है, तो थोड़ा सा अपनी ख्वाहिश को आप कंट्रोल कर लें। अखलाकियात का तकाजा है। कानून तो ऐसे मौके पे शोहर का साथ देगा, इस्लामी कानून औरत को बुरा कहेगा, लेकिन अखलाकियात भी कोई चीज़ होती हैं भाई, आज के बजाय सब्र कर लो तो और अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो कभी कभार अगर ऐसा होता है तो शोहर की को चाहिए कि वो अखलाकियात का मुजाहरा करें और बीवी को मजबूर ना करें, लेकिन बहरहाल कानून यही है कि औरत के लिए अपने आप को रोकना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें औरत का कोई ख़ास नुकसान भी नहीं होता, एनर्जी तो मर्द की यूटिलाइज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो औरत जिसका ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा और मर्द जिसका बेड़ा गर्क होने का ख़तरा है, उसकी नींद ख़राब हो सकती है रात की और फिर अगले दिन उसको गुनाह का ख़तरा है। जब इंसान की डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, वो तो बाज़ दफ़ा दरिंदा बन जाता है। ये जो आजकल इतने वाकयात हो रहे हैं रेप के और जो कत्ल के वाकयात हो रहे हैं और ये जो बदमाशियाँ फैल रही हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों की है जिनकी ये हलाल तरीके से ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही और वो मुतमईन नहीं हो पा रहे, तो वो फिर इस तरह की हरामकारियों की तरफ जाते हैं। तो इसलिए शरीयत ने बहरहाल हुक्म दिया है कि इस मामले में औरत शोहर का साथ दे।